हेलो वेलकम टू टेस्ट एडिशन एंड ट्रैवल। आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए ये रिकैप देख लीजिए और पता चल ही जाएगा कि आज इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुड मॉर्निंग, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, जिस टाइम भी देख रहे हैं, पर यह वीडियो मैंने शुरू की है मॉर्निंग से। तो गुड मॉर्निंग सबको। तो चलिए बारिश का मज़ा लेते हुए, सुबह सुबह बारिश हो रही थी तो बारिश का मज़ा लेते हुए अपने ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट की। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने किया अपना ड्रिंक, जो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया हुआ है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। कुछ नहीं, सिंपल सा ड्रिंक है। इसमें बस एक दो काजू और आमंड और थोड़ा सा फ्लैक्सीड, आप चाहे तो इसमें थोड़ा ओट्स भी मिक्स कर सकते हैं। बस ये सब डाल के एक दो डेट्स वगैरह, डेट्स मैंने आखिरी में डाला था जब मैं इसको ग्राइंड करने वाली थी, और थोड़ा सा मिल्क डाल के इसको मैंने हाफ एन आवर के लिए सोख करने के लिए रख दिया था फ्रीज में, ताकि थोड़ा ठंडा भी हो जाए और थोड़ा सोख भी हो जाए, ताकि तब तक मैं दूसरे काम भी कर लूँ। सुबह सुबह बेबी को स्कूल भेजना होता है तो वो सब काम थोड़ा निपटा लेते हैं, फिर अपना ड्रिंक बना के पियेंगे। ये ड्रिंक हो गया है, तो ड्रिंक बना लिया है और यहाँ पर मैंने अपने टोस्ट गर्म कर लिया है। तो अब चलिए इस टोस्ट के साथ थोड़ा सा ये घी, मैं बटर यूज़ नहीं करी, घी यूज़ करी जो मैं खुद घर पे बनाती हूँ, वही वाला घी। तो अब इस हेल्दी से ड्रिंक के साथ इस टोस्ट को एंजॉय करते हैं और ब्रेकफास्ट कर लेते हैं आज का। आई होप आप सब ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। अब वही है, घर का काम स्टार्ट हो गया है सुबह सुबह, तो यही सब चल रहा है। तो साथ ही में, तो जब मैं अपने बेबी को स्कूल ड्रॉप करके आ रही थी तो मैंने देखा ये बहुत सारी राखियाँ लगी हुई थी, तो मुझे लगा कि चलिए राखियाँ देख लेते हैं। वैसे तो इसकी दीदी ने इसको राखी भेजा हुआ है, बहुत सुंदर राखी इसके पसंद का, बट फिर भी मैंने देखा कि यहाँ राखियाँ काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो एक और राखी परचेस कर लेते हैं। तो यहाँ से एक राखी और ले लिया है। एंड राखियाँ, आई होप कि आप लोग ने भी बहुत सारी राखियाँ खरीद ली होंगी अपने भाइयों के लिए, और आप लोगों का रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत अच्छा हुआ होगा। तो उसी के साथ रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए चलते हैं आगे शॉपिंग करने, ग्रॉसरी वगैरह। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं ये हॉटेस्ट जो नूडल्स है 2X 3X हॉट वाला, तो मैं ये देख रही थी 2X हॉट वाला कोरियन नूडल्स, तो बहुत सारे वीडियोज बनते हैं इसके लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक ले लेती हूँ, और अगर मैंने इसको खाया तो मैं आपको इसकी वीडियो बना के ज़रूर दिखाऊंगी। पहले भी खाया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, पर देखते हैं आगे वीडियो में अगर मैं ना पाई तो। साथ में मैंने ये थोड़ी सी दही वगैरह ये होटल का सामान खरीद लिया। तो चलिए घर वापस चलते हैं, घर वापस चल के अपना ऑफिस का काम स्टार्ट करना है, और बाकी रेगुलर वर्क तो रहता ही है। तो अभी के बज रहे हैं 9:45, और यहाँ पर थोड़ा ऑफिस का काम करके स्टार्ट करके शुरू कर दिया है राजमा पकाने की तैयारी। रात को ही सॉफ करके रख दिया था, अब ये राजमा रख दिया है कुकर पे गैस ऑन करके। तो यहाँ पर जो ग्रॉसरी रखने वाला मेरा जो कंटेनर है, डब्बा है, वहाँ पर जब मैं सामान रख रही थी तो देखा कि वहाँ पर कॉकरोच हो गए थे। अरे कॉकरोच बहुत परेशान करते हैं, तो मैं उसका प्यार सफाई कर ही देती हूँ। तो उसकी क्लीनिंग के लिए थोड़ा स्प्रे वगैरह करके पूरे डब्बे को खाली करके मैंने इसकी क्लीनिंग किया था। और ये है आउटसाइड व्यू, बारिश के बाद काफ़ी अच्छा नज़ारा है, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ एक डब्बे की क्लीनिंग हो रही है, डब्बा मैंने क्लीन कर दिया है और काफ़ी गंदा हो गया था, और यहाँ पर मैंने स्प्रे वगैरह भी जो
कॉकरोच किलर स्प्रे होते हैं वो डाल के मैंने इसको अच्छी तरह क्लीन कर दिया है। अब मैं इसका सारा सामान इसमें रख देती हूँ वापस से, और इसी तरीके से बाकी काम है वो निपटा लेते हैं, आज का लंच प्रिपेयर कर लेते हैं। मेरी वीडियो में बने रहिएगा। रक्षाबंधन है तो मिठाई तो बनता ही है, तो रक्षाबंधन में मिठाई लेने मैं गई थी इस मिठाई की शॉप में, तो उसका भी एक क्लिप मैंने आपके साथ शेयर कर किया है। तो चलिए मिठाई भी ले लिया है, अब चलते हैं घर की ओर। और आई होप आप लोग ने भी रक्षाबंधन में बहुत सारी मिठाई खाई होंगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन में और क्या क्या हुआ, स्कूल से भी लेके आ चुके हैं अब इसको। Show me your Rakhi. Show your Rakhi. Show. Spider-Man Rakhi. I want Mama Rakhi. पर ये इसने पसंद किया हुआ था ये स्पाइडर मैन वाली राखी, तो ये कह रहा भी इसको नहीं बांधेगा, इसके साथ खेलेगा, तो इसको अपने ट्रेन में रख लिया है और कहा कि मैं इसको ऐसे ही रखूँगा। तो इस राखी के साथ इसने खेला पर राखी को नहीं बंधवाया। दूसरा राखी जो अच्छा हुआ मैं लेके आई थी वो राखी इसकी कलाई पर मैंने बांधी इसकी दीदी के नाम से, तो उसके ब्लेसिंग और उसका जो भी अपने भाई के लिए प्यार है वो मेरी थ्रू मैंने इसको राखी इसकी कलाई पर बांध दिया। चलिए अब राजमे के तड़के की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि राजमा तो मैंने पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ है, तो और मैंने बाकी सब टमेटो भी काट के रखा हुआ है, ऑनियन मैंने अब यहाँ गरम तेल में डाल दिया है, सरसों का तेल, उसमें एक ऑनियन और मैंने अदरक लहसुन और ग्रीन चिली भी फाइनली चॉप्ड करके रखा हुआ था उसको भी मैंने डाल के भून दिया है। जैसे लाइट ब्राउन हो गया तो मैंने यहाँ पर टमेटो को भी डाल दिया है। तो चलिए अब टमाटो को थोड़ा सा भूनते हैं, साथ में थोड़े से बेसिक मसाले ऐड कर देते हैं। मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला है। मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा राजमा मसाला और सॉल्ट, सॉल्ट थोड़ा अभी कम डाल दिया क्योंकि बॉईल करते हुए मैंने डाल दिया था, और हल्दी, जीरा और धनिया का पाउडर जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ हमेशा, जीरा और धनिया का पाउडर वो भी मैंने थोड़ा ऐड कर दिया है, और इसके साथ इसको थोड़ा भून लेते हैं। भून के जैसे ही तैयार हो जाएगा मसाला उसमें हम राजमा डाल देंगे। तो मेरे वीडियो को आप एंजॉय कीजिए, अगर आपके पास कोई राजमा बनाने की बहुत अच्छी रेसिपी है तो मैं शेयर कीजिएगा, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल तरीके से और खाने में भी ठीक ही रहता है, अच्छा बन जाता है।
और हाँ, मैंने बताना भूल गई थी कि मैंने इसमें थोड़ा सा हींग भी ज़रूर डाला है तड़के के साथ। और बस ये मैंने राजमा यहाँ पर डाल दिया है जो बॉयल्ड राजमा थे। थोड़ा मुझे अच्छी तरह बॉयल्ड वाले राजमा ही पसंद है ताकि थिक वाली ग्रेवी बन जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मेरे राजमा बन के तैयार है। काफ़ी लग रही है, चलिए अब लंच कर लेते हैं फटाफट। लंच करने के बाद अपना ऑफिस के काम को भी कंटिन्यू रखना है। तो यहाँ लंच कर लिया है, खाना ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था। और चलिए अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। और मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और आपका प्यार भर भर के दीजिएगा ताकि मैं थोड़ा और से भी अच्छा दे बाय दे और अच्छे वीडियोज लाती रहूँ रहूं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।